हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवा और आया हूँ सीखने वाले हैं स्थानीय मान निकालना। ठीक है, और स्थानीय मान निकालने से पहले हम लोग को कुछ पता होना चाहिए, हमको स्किल पता होना चाहिए जो भारत में स्किल यूज होता है किसी भी संख्या को लिखने के लिए। ठीक है, उसको एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, तो हमारा जो इंडियन स्किल है इसके वो क्या है, तो है इकाई। ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 1 करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसके आगे भी है बट हमको इतने तक आना। ठीक है, कौन कौन सा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये स्केल है हमारा किसी भी संख्या को लिखने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा 1, 2, 4, 5, 3, 4, 6। अभी इसको पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, इकाई। तो हम क्या इंडियन स्केल यूज करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, अगर हम इसको लिखे तो ये कैसे लिखेंगे, 6 + 40 + 300 + 500 + 400 +2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड प्लस का 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, देखो इकाई में एक अंक होता है, दहाई में 10। ठीक है, 2 अंक, सैकड़ा वाला 3 अंक मिलकर बनता है तो 300। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि हम जितना इस साइड को जाते जाएंगे ना, मतलब लेफ्ट साइड को बढ़ते जाएंगे, उतना ही हमारे जीरो नंबर अकॉर्डिंग टू। जैसे हमने यहाँ से 1 मूव किया तो 1-0, 2 स्टेप मूव किया तो 2-0, 3 स्टेप मूव किया तो 3-0, 4 स्टेप मूव किया तो 4-0। ठीक है, 5 स्टेप मूव किया तो 5-0, है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 स्टेप मूव हुए तो 5, 6 स्टेप तो 6 3 6। ठीक है, तो जितना हम इस साइड आएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, उतने हमको जीरो बढ़ाते जाना है इसमें। तो ये हमको पता है प्लस। अब ये अगर हम देखें तो 1-3 जो यहाँ पे 3 लिखा है, कितना है, गाय सैकड़े, सैकड़े पे लिखा है, मतलब 100 पे, तो 300 हो गया। ये 1,000 पे लिखा है तो 5,000, ये 10,000, मतलब 40,000, है ना। ये लाख, तो ये 2 लाख पे लिखा है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1,000 लाख, ठीक है, ये 2 लाख हो गया, ये 10 लाख है, तो ये हमारा 10 लाख पे लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो कहने का, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माना 1 लाख हो गया। ठीक है, तो हम देखेंगे स्थानीय मान। ठीक है, क्या निकालना, देखेंगे स्थानीय मान। ठीक है, तो जैसे हमें कोई संख्या दी होगी तो हम ये इंडियन स्केल का यूज करते हैं, उसका स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालना है इसको, टॉपिक बहुत सिंपल था है, बस किसी को भी समझ आ जाएगा एक बार अगर ध्यान से देखें। तो जैसे कोई संख्या लिखी हमारी 1, 4, 5, 6, 7, 9, अगर इस पर पूछे हमको 5 का स्थानीय मान, ठीक है, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा, कि जब हमारा ये 5 किस स्पेस पर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे ना, तो 5 को कितने से, कितने 0, या तो हम नंबर काउंट करके हम 0 लगा सकते हैं, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा 5,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम सीधे डायरेक्ट नंबर स्थान पर देख सकते हैं कि कितने स्थान पे है। ठीक है, 1, 2, 3, तो 4th स्थान पे है, तो 4th नंबर पे है, तो इसके आगे कितने डिजिट्स हैं, तो हमने इतने नंबर पर इतने 0 लगा दिए। ठीक है, अगर हमारा 1 का निकालना हो तो 1 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान, ठीक है, 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, 1
इक्कीस तन वन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 क्या अंक कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर हम काउंट करके या सिकल के हेल्प से निकाले तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, ठीक है, उसके कितने 10,000 बनेगा, ठीक है, 10,000 लाख। तो ये कितने, ये इसका स्थान कौन सा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, लाख पे 5 0, ठीक है। अब गिन सकते हैं 3 2 5, ठीक है, तो ये लाख हो गया हमारा, ठीक है। ऐसे हम स्थानीय वन निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन बुक्स आते हैं एग्जाम, ठीक है, अगर आएगा एक नंबर में, अगर ऑप्शनल में आ सकता है तो कैसे निकालेंगे, सपोज पूछते यही संख्या हमारा, ठीक है, ये क्या है 1 4 5 6 7 है, ठीक है, ये संख्या है। अब पूछते हैं हमसे क्वेश्चन की एक नंबर में कि 7 का स्थानीय वन निकालना, तो 7 का क्या हो जाएगा 7 × 10, ठीक है, तो एक स्थान पर 70, ठीक है। अगर पूछते 4 का स्थानीय वन तो 4 पे क्या लगेगा, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये माना 40,000 हो जाएगा, ठीक है, का ढाई सैकड़ा आएगा 10,000, ठीक है, तो ये 40,000 40,000, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि इन दोनों का अंतर बताओ, है ना, क्या पूछ दे, तो क्वेश्चन अगर हम लिखना चाहें तो, अगर क्वेश्चन पूछ देता है 4 तथा 7 का स्थानीय मान निकालो और उनका अंतर ज्ञात करो, क्या 4 तथा 7 का स्थानीय मान ज्ञात करो, ज्ञात करो तथा अंतर निकालो, अंतर निकालो, ठीक है, अंतर निकालना है। तो अब हम देखेंगे 4 का स्थानीय मान कितना है, 4 देखेंगे तो हमारे 4 के यहाँ तो लिख लेते हैं, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, ठीक है। अगर हमारे ये 2 नंबर में या 1 नंबर क्वेश्चन आता है रिटर्न में, तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 का स्थानीय मान हमारा 4 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, ठीक है। अब 7 का स्थानीय मान, 7 कितना 1 0 70, उनका अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे, अंतर, अंतर के लिए क्या करेंगे, 40,000 से 1 2 3, ठीक है, 40,000 से 70 कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कैरी चला जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 है तो 0 रहेगा, इससे यहाँ पर 10 है, 10 से 7 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, या कहीं अंतर निकाल लिया जाता है, जोड़ दो, है ना, ये अंतर निकाल तो पूछ सकता है, जोड़ भी कह सकता है, गुणा कर सकता है, कुछ भी कर सकता, करने को कह सकता है, ठीक है, या तो ऐड कर सकता है, या माइनस कर सकता है, या फिर मल्टीप्लाई कर सकता है ना, या फिर डिवाइड भी दे सकता है। तो ये 4 में से कोई भी कंडीशन 2 अंकों का या 3 अंकों का या 4 अंकों का, कितने भी अंकों का निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें और भी एक स्टेप देख लेते हैं, और भी एक टाइप देख सकते हैं, इसमें हम 5 अंकों का पूछते हैं, मान लो यहाँ पर 3 अंकों का 1 2 3 4, इनको ऐड करने का बोल दो, 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 70 हो जाएगा, ठीक है, 70 हो जाएगा। 6 का अगर 6 और 5 का पूछ देते, 6 का स्थानीय मान कितना जाएगा 600, ठीक है, 5 का स्थानीय मान 5,000, ठीक है, समझ आया। अब इसको ऐड कर दोगे तो योग क्या हो जाएगा, 5,000, ठीक है, उसमें 600 ऐड हो जाएगा, उसमें भी 70 ऐड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0765, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा।